सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का और सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल आप लोग आते हैं और मेरे साथ ये खुशी बांटते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच गाइस. 12 बजे जरा बताएं. कल रात 12 बजे मैं सो रहा था. मैं दरअसल शायद 10:30-11 बजे मैं किताब पढ़ रहा था और एक 15-20 मिनट पढ़ के मैं फिर सो गया. तो 12 बजे कुछ खास नहीं किया, मैं बड़े नींद में था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे. जब 12 बजे सो रहे थे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सरप्राइजेस तो आए होंगे जो आपको सुबह पता चले. हाँ, मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आए और कुछ मिस्ड कॉल्स आए 12 बजे. गिफ्ट्स तो अभी तक मुझे एक भी नहीं मिला है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लाए होंगे साथ में. इस बार का बर्थडे कितना स्पेशल रहेगा? हर बार हर साल तो होता है, बट फिर भी एनीथिंग मेजर प्लान एक्चुअली मैं हर साल की तरह इस दफ़ा भी अपने परिवार के साथ हूँ. इस दफ़ा परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि गीता बबीता महावीर जी भी आज आ रहे हैं हमारे साथ ये खुशी बांटने के लिए. और दोस्त यार हैं और फैमिली के साथ मैं हूँ. अम्मी आएंगी तो हर साल मैं फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ. अम्मी जो हैं वो मेरे लिए जो गिफ्ट दे रही हैं वो हर साल मुझे सेम गिफ्ट देती हैं. मुझे उनके हाथ का सीख कबाब बड़ा पसंद है, तो वो हर साल वो मेरे लिए बनाती हैं, तो इस साल भी बनाया उन्होंने. आमिर सर आपसे एक सवाल बनता है कि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था, आपका इनिशिएटिव देखा है कमर्शियल. तो स्टार प्लस पर हमने रिसेंटली नया कमर्शियल देखा है, एक इनिशिएटिव देखा है. कैन यू से दैट कि आप बहुत जल्द सत्यमेव जयते शुरू करने वाले हैं स्टार प्लस? नहीं, एक्चुअली सत्यमेव जयते की जो मेरी पूरी टीम है ना, हम लोग सब पानी के सिलसिले में काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र में जो दुष्काल आता है हर साल, तो हम उसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं. तो मेरी पूरी टीम सत्यमेव जयते की उसमें काम कर रही है, मैं भी उनके साथ, हम लोग सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इसलिए लिहाजा हमारा शो टीवी पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम 24/7 हम उस पर काम कर रहे हैं. तो इस वक्त हमारा राउंड 2 चल रहा है सत्यमेव जयते वाटर कप का. इस साल हमने करीबन 10,000 लोगों को ट्रेन किया है पान लोड के काम में, और हमारा जो कंपटीशन है वो शुरू होगा अप्रैल में, 2 महीने चलेगा. तो इस दफ़ा हम लोग फरवरी और मार्च के 2 महीनों में हमने 10,000 लोगों को ट्रेन किया पान लोड के काम में, और 30 तालुका में काम कर रहे हैं. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारी टीम जो है वो टीवी पे हमारा शो हम नहीं ला पा रहे हैं. जी, पता नहीं यार, कुछ खास बदला नहीं है. ठीक ही चल रहा है सब कुछ. बॉक्स ऑफिस कैमरे से तो बदल गए हमें. नहीं, बॉक्स ऑफिस तो ठीक है, मतलब मुझे खुशी बहुत इस बात की है कि जो हमने सब ने मिलकर, नितेश जी और हमारी पूरी टीम ने मिलकर जो एक फिल्म बनाई, उसको इतनी मोहम्मत मिली, इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, और इस बात की हमें बेहद खुशी. बाय एंड लार्ज, या आई मीन, इफ यू मेक अ गुड फिल्म देन पीपल विल लव इट, इफ पीपल लव इट दे विल सी इट. So your numbers will increase, yeah. By and large. Aamir sir, आप मानते हो कि actually ऐसा एक दौर था 15 साल पहले में, you had given little films were not really working well. हाँ. But अभी ऐसा हो गया कि आमिर पे 100% भरोसा है audience. नहीं, मेरी फिल्में हमेशा work करती थी. मुझे कोई याद नहीं आ रही कौन सी फिल्म मेरी work नहीं हुई. पहले 15 भी वो दौलत की. 15 साल पहले. 15 साल पहले लगान आई थी. 15-20 साल. जी, नहीं, मैं तो
नहीं, दरअसल ये है कि एज एन एक्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसको मैं पूरी तरह निभाऊँ, और उसमें कभी कभी फिज़िकल भी हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं बॉडी में, तो जब भी वो ज़रूरत पड़ती है मैं करता हूँ, और आगे भी पड़ेगी तो मैं करूँगा। मैं समझता हूँ कि उसमें सेहत पे असर पड़ सकता है, लेकिन इस वक्त तो मैं उसके बारे में इतना नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं बह जाता हूँ जब मैं उस कैरेक्टर को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसी के बारे में सोचता हूँ और हेल्थ के बारे में मैं नहीं सोच पाता, और अभी तक तो ठीक ही चल रहा हूँ मैं, आप लोगों की दुआ से। द ओनली फिल्म आई एम डूइंग राइट नाउ इज ठग्स, दैट्स द ओनली फिल्म, आई हैव नॉट साइन एनी अदर फिल्म। सॉरी, हमारी शूटिंग जून में शुरू होगी, जून में हमारी शूटिंग शुरू होगी। सॉरी, हाँ हाँ, नेटफ्लिक्स नहीं नहीं नहीं, शाहरुख से मैं दो मरतबा मिला हूँ पिछले एक दो महीने में, एक अजय बिजली की बर्थडे पे मिला था मैं, जब हमने बहुत दिनों बाद हम लोग मिले तो बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर और उसके साथ वक्त बिताकर, और अभी हाल ही में दो दिन पहले उसने मुझे घर पे बुलाया था, एक गेट टुगेदर था, तो ऐसे ही मिल रहे हम लोग जस्ट एज फ्रेंड्स। नो नो, वी जस्ट मीटिंग कैजुअली है, नॉट रियली, नो वी जस्ट मीटिंग एज फ्रेंड्स, नो वी हैवंट डिस्कस्ड वर्क। एज इज जस्ट अ नंबर, आई मीन या इट्स एक्चुअली वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू फील इन योर हेड, एंड आई थिंक के इफ यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, यू फील हैप्पी अबाउट योर लाइफ, यू देन इट डजेंट मैटर वॉट योर एज इज, आई थिंक, एंड आई मीन आई थिंक फॉर अ पर्सन टू रिमेन एक्साइटेड एंड क्यूरियस and wanting to explore is a wonderful thing. So it doesn't matter what age you are, you can be doing that at any age. No, I've always been careful. I don't think I've ever been careless about giving my opinion on matters. I've always been careful and I'll hopefully continue to be careful. But I would also like to continue to say what I feel. नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजा हुआ। हाँ, वेल यू नो आई फील दैट दैट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन इमोशन, यू आर आस्किंग मी इन जनरल, नॉट स्पेसिफिकली टू दैट इशू। नहीं तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। In general, I think it's a very normal human nature to try and help people who you love and who you care for. It's a very natural thing. It doesn't have to be someone who's part of your family. It can be someone who you care for. So that's a very natural emotion. I try and make sure that in my work, I don't try not to allow that to interfere, because I think that meri jo zimmedari hai as a creative person, wo apni audience ki taraf hai. Aur usko main sabse zyada ahmiyat deta hu. So I try not to bring in emotions in my work. जी अच्छा, हाँ मैं ले लेता हूँ आपसे बात, अभी रुकिए, अभी इंटरव्यू चल रहा है। नो आई डोंट फील अ प्रेशर, आई एम नॉट इवन थिंकिंग ऑफ द नंबर्स व्हेन आई साइन अ फिल्म, आई एम थिंकिंग ऑफ व्हाट आई वांट टू डू, एंड व्हेन द स्क्रिप्ट एक्साइट्स मी आई वांट टू डू दैट, सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द नंबर्स व्हेन आई एम साइनिंग अ फिल्म। When I'm signing a film, I'm more interested in what I'm going to be doing. मैं अपने अगले एक दो साल उसमें रहूँगा, तो मुझे वो जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव, हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को वो एक मन बनाना पड़ता है, कब आप कोई चीज़ करना चाहें, कोई बहुत ही मुश्किल काम करना चाहें, तो कभी कभी आपको मन बनाना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, और आप सोचते हैं कि हाँ मैं अब ये करके रहूँगा, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, जब आप कोई चीज़ तय करते हैं कि मैं ये करूँगा। तो अगर आपके ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप करना चाहते हैं, तो
आप अपना मन बनाएं और वो करें. मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं, मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं. एक्चुअली मैं अवार्ड्स में नहीं जाता हूँ. हाँ हाँ, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हमारी ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उनका जो प्यार है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं. नहीं मतलब मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ. Any chance we'll see you entering politics at any point? No. Politics is not for me. I feel that there's a lot I can contribute staying in the creative field that I'm in. And as an artist, as a creative person, there's a lot I can contribute to society, to the nation, and I would like to do that from where I am. I don't want to change that. हाँ हाँ. अच्छा रेजोल्यूशन का किसने पूछा था मुझसे? हाँ मेरा एक रेजोल्यूशन है, आपने भी बोला तो मुझे याद है, इस साल मैं विक्टर को बहुत परेशान करने वाला हूँ. मैंने ये रेजोल्यूशन किया है कि मैं आई बी सॉरी नहीं ये अभी लुक हम लोग चल रहा है, मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी अब छोटी की है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी भी. I hope not. I hope not. In the sense that I feel that all four of them are very talented girls, and I think they're very bright and intelligent girls, and I don't think they need my advice or if they do, I'm always there for them. But I hope that they have wonderful careers, and I think they'll be a big asset to the industry because all four are very talented. So I wish them all the very best. Would you be working something? Good. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. Shah Rukh Khan, who do you think you should go to politics? Politics ke baare mein to mujhe kuch itna jankari bhi nahi hai. But thank you so much, guys. And one thing I want to say, this year I'm really excited about one thing. I've been a huge fan of Amit Ji all my life. और ये मेरा पहला मौका है जो मैं अमित जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिस तरह के कलाकार हैं और जिस लेवल के एक्टर हैं वो, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट दिस ईयर. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. अरे भाई उठाओ मत, भाई उठाओ मत, अरे उठाओ मत.